सही गाइज, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। एंड ये देखो टेंट हाउस फाड़ लिया इन्होंने ऊपर से कि हवा आए, ये टेंट हाउस के अंदर घुसे हुए हैं, पर गर्दनें इनकी निकली हुई हैं। ये देखो, ये इनका मैं दिखाती हूँ, ये देखो टेंट हाउस के अंदर ये अपनी आजादी का जश्न मना रहे हैं टेंट हाउस के अंदर। आजादी हमें आजादी पढ़ाई से चाहिए बट हो नहीं सकती मेरी। मैं बताती हूँ हुआ क्या कि आज मैंने सुबह इनको उठने के बाद पूछा, मैंने कहा आज बताओ एक एक चीज बताओ कि तुम्हें किस चीज से आजादी चाहिए। रवनूर कहती पढ़ाई से आजादी चाहिए, मैंने कहा वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कल से इनके ईवी है, जीके एंड मॉरल वैल्यू पढ़नी है। चलो तो इकनूर आपको किस चीज से आजादी चाहिए आज? आजादी का मतलब पता, खेलने से। उसको आजादी का मतलब नहीं पता, वो कह रही मुझे खेलने से आजादी चाहिए। चलो ये देखो ये कर रहे हैं ऐसे मस्ती। अरे बस ये देखो मैंने बताया था ना ये टेंट हाउस, ये देखो ऊपर से एक मिनट हिलाओ नहीं बच्चों, ये देखो क्योंकि बहुत पुराना जब मैं छोटी थी ना। पुराने का मतलब क्या होता है कि फाड़ दो जब मैं छोटी थी, अब तो आप बुड्ढे हो गए। सो चलिए इस टाइम ऑलमोस्ट काम डन है, ब्रेकफास्ट बनाना है। आज बच्चों ने बोला था कि आलू के परौंठे बना दो, बड़े टाइम से नहीं खाए हैं, या पकौड़े बनते, बट बच्चे कह रहे थे, रवनूर कह रही थी कि आलू के परौंठे खाने हैं, तो फिर आलू बॉईल कर लिए हैं, सब तैयारी है, बस बनाने जा रही हूँ। मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर लूं। सो चलिए लेके चलती हूँ किचन में, दिखाती हूँ। हमें भी दिखा दो, उसके बाद चलना। आ जाओ आ जाओ, आज ये आजाद हैं, आज ही अपनी आजादी मनाएंगे। आज मैं इनको कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, जो मर्जी करो, आज ये फ्री हैं बिल्कुल। ये यहाँ पे ऐसे में दिखाती हूँ, ये मैंने आलू बॉईल करके रखे हुए हैं, ये मैं करूंगी, ये मैंने प्याज कट कर लिए थे, ये मैं कर चुकी हूँ, और यहाँ पर है मेरा अदरक मिर्च, और बस अब मुझे ये मैंने कहा आलू थोड़े से गर्म थे, थोड़े से ठंडे हो जाए, देन मैं मिक्स करती हूँ एंड देन मैं बनाती हूँ आलू परांठा। एंड इनको नहाने के लिए तो मैंने कहना नहीं है, क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई आज तो हमें आजाद है, आज हम कि आज हम जब मर्जी खाएंगे, जब मर्जी उठेंगे, उठ तो ये खैर जल्दी गए, जब मर्जी उठेंगे, जब मर्जी खाएंगे, जब मर्जी सोएंगे, जो मर्जी करेंगे, तो एक दिन के लिए मैंने इसे इन्हें छोड़ दिया है आजाद। चलो एंजॉय योर डे। किसका डे है फिर? भारत का डे है। अच्छा लगा, आप ये बताना कैसा लगा आपको। देखो अंदर से हमने कुछ ऐसी सेटिंग किया और सेटिंग भी हमने कुछ ऐसी किया, दिखाती हूँ कि हम यहाँ टेंट से बैठ के वहाँ टीवी भी देख सकते हैं, है ना? यस। देखो अच्छी है ना गाइस, देखो ऊपर से हमने चुन्नी डाली, अंदर से देखो क्या किया। सो गाइस ये देखिए मम्मा यहाँ बना रही आलू के परौंठे, और यहाँ पर मम्मा ने साथ के साथ रख दी है चाय। मजा आने वाला है आज, है ना? बहुत मजा आएगा। क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? ये देखो ब्रेकफास्ट भी आज देखो इसके अंदर बेड के ऊपर ये रखा है, और ये ऊपर से क्या बांधा है मेरी चुन्नी जहाँ से होल किया था अपने टेंट हाउस को। हाँ वो तो मेरे को पता है कि आप कार्टून देख रहे हो शिनचैन, और ये अंदर बैठ के खा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। कैसे लगे आलू के परांठा? बहुत अच्छे। आलू परांठा गुगू ने तो फिनिश कर लिए, दीदी के रह गए बटर। ये हरी मिर्ची निकाल के बाहर रखी है भैया। चलो ये मिर्ची मम्मा खा लेगी। कहाँ चले? हो गया डन, अब बाहर आना है। खा ली हम दोनों ने एक रोटी। अब कहाँ आ रही हो? बाहर क्या करना है? मलाई खा ली पूरी? अब आइए पूरी साफ करो। मिली थोड़ी नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। करो 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 करो। ओए इकनूर नहीं करनी।
चलो आज तो ये फ्री है, आज इनको पता है, आज इनको मौका मिल चुका है कि आज मम्मा पूरा दिन कुछ नहीं कहेंगी, है ना। आज मेरी छुट्टी है, और आज ये इंडिपेंडेंट डे है, तो आज इसलिए ये आजाद है। मेरे खाने का स्टाइल नीचे। ओ चलो ज्यादा अंग्रेज मत बनो, खा लो। चलो मम्मा को और भी काम करने हैं। करो करो करो, ये देखो ये क्या हो रहा है, ऊपर से पकड़ो ना, जोर लगा के, हाई शाह घुमाओ। नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना, इधर तो ला के दो, क्योंकि इसमें ज्यादा वो डाला हुआ है ना मैंने, इसलिए आपसे हो नहीं रहा। किधर ला के दो, इधर। सो इस टाइम ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड इस टाइम हो रही है लंच की तैयारी। और लंच में मैं बना रही हूँ मटर पनीर, क्योंकि पापा ने कल से लाके रखा हुआ था। सब्जी वाला आज कोई आएगा नहीं, तो सब्जी हमारे पास मटर और पनीर ही है, तो वही बनाऊंगी। सो इग्नोर करवा रही है मम्मा की हेल्प। करो करो करो, घुमाओ। जब मैंने बोला मैं घुमाती हूँ तब तो आप माने नहीं। इधर ला के दो ना। लो चलो घुमाओ। सब्जी मेरी बन चुकी है, लंच मेरा बन चुका है, आटा गूंदा हुआ है एंड मैंने लगाई है मशीन, दिखाती हूँ। मैंने कहा कपड़े धो ही लूं, करना क्या है। सो मैंने कहा कपड़े धुल जाएंगे, क्योंकि इस टाइम अभी टाइम हुआ है 11:30 एंड काम सारा ऑलमोस्ट डन है, तो रवनूर को सिर्फ रिवीजन करानी है। और इस टाइम ये लगे हुए हैं यहाँ पे, मैं नॉक नॉक करके दिखाती हूँ। मम्मा कब तक नहाओगे, पहले ही कह रहे थे कि हम नहाएंगे नहीं, और अब इनको हुआ कि हमें नहाना है, बट आप हमें रोकोगे नहीं, हम जैसे मर्जी मस्ती करें, जैसे मर्जी नहाएं। और इनको काफी टाइम हो चुका है अंदर, बस आवाजें आ रही हैं, मस्ती हो रही है। मम्मा नॉट अलाउड कि आप अंदर मत आना, दोनों लगे हुए हैं इकट्ठे नहाने, तो ये नहा के आएगी, उसके बाद मैं करवाऊंगी रवनूर को सारी रिविजन, इसके कल के जो टेस्ट है इवेल्यूशन 2, मॉरल वैल्यू एंड जीके दो हैं, तो दोनों को एक बार रिवाइज करवा दूंगी, देन जे फ्री हैं, क्योंकि इस टाइम ऊपर धूप बहुत है, छत पर कोई नहीं है। एक दिखाती हूँ मैं बाहर, देखो बाहर का सीन मैं दिखाती हूँ। 11:30 हो रही है, धूप बहुत तेज है इस टाइम एंड ऊपर कहीं पे भी कोई काइट नहीं है। सब तो देखो वहां पे क्रिकेट खेल रहे हैं, आई थिंक क्रिकेट खेला जा रहा है वहाँ पे। और वो देखो नेशनल फ्लैग वहाँ पे लगाया हुआ है पार्क में, मैंने जूम करके आपको दिखाया है। सो वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, आई थिंक मैच हो रहा है। सो बट काइट वगैरह कहीं पे भी नहीं। मैं भी हूँ यहाँ। ये भी है यहाँ और ये भी बच्चा आया, क्या कर रहे थे? साइकिल, साइकिलिंग। और अब ये डॉल लेके जा रही है और एक रवनूर पलटी गई। रवनूर का स्टडी का टाइम है, क्योंकि इनको भी शाम को मैं ऊपर छत पर लेके जाऊंगी, क्योंकि इस टाइम कोई भी नहीं है, सब अंदर अंदर है, तो इस टाइम इनको ऊपर लेके जाने का कोई फायदा नहीं है। शाम को ऊपर चलेंगे, शाम का नजारा दिखाऊंगी। इस टाइम तो कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको बाहर दिखाया पार्क में, बस कुछ वो आई थिंक कोई टीम है, उनका मैच वगैरह हो रहा होगा, तो वो क्रिकेट खेल रहे हैं, दैट्स इट, मैच हो रहा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, शाम को चलेंगे ऊपर एंड करेंगे इंजॉय। चलिए करे स्टडी सर।
हमारा डिनर हो चुका है एंड इस टाइम हम फ्री हो चुके हैं और ऊपर मैंने शूट किया है, बट ऊपर आसपास बहुत ज्यादा नॉइज थी, लोगों ने डेक चलाए हुए थे, सॉन्ग थे, तो मैं पीछे म्यूजिक डालूंगी उसमें बिकॉज कॉपीराइट क्लेम का इश्यू हो जाता है, तो कुछ भी बोल नहीं पाई वहां पे क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइज थी, बहुत ज्यादा शोर था, बहुत ऊंची आवाज में सॉन्ग लगे हुए थे, बट मजा आया, इंजॉय किया आपने ऊपर म्यूजिक ना स्पीकर में म्यूजिक चल रहा था, एक नूर बोल रही है, तो आपको मजा आया था आज ऊपर? सो बच्चों ने फुल एंजॉय किया, थोड़ी देर के लिए गए थे ऊपर, पतंग भी कट गई और एक नूर की पतंग भी कट गई थी। सो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो गिव थम्स अप एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।